हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शामली खेरा और आपका स्वागत करती हूं योग शक्ति में। योग शक्ति एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको देता है योग के प्रति एक नया नज़रिया। नज़रिया मतलब जीने का अंदाज। यूं तो कई लोग अपने अपने तरीके से योग करते हैं, पर वास्तविक योग क्या है, कैसे किया जाता है, शायद इस संबंध में लोगों को बताना और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न योग में कैसे वास्तविकता लाई जाए, कैसे हेल्थ, पीस और प्रॉस्पेरिटी पाई जाए, जीने के नज़रिए को कैसे होलिस्टिक बनाया जाए, इस संबंध में योग शक्ति फिर एक नए अंदाज में आपके सामने है। आइए स्वागत करते हैं विश्व प्रसिद्ध योग एक्सपर्ट शैली जी का। योगाचार्य शैली खेरा, आप देश की एक ऐसी महिला योगाचार्य हैं जो सांस्कृतिक और पारंपरिक योग का परिचय आम लोगों से करवा रही हैं। आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और आपने बचपन से ही योग के अनुसार जीवन जीना सीखा है, पहले एक विद्यार्थी के रूप में और अब एक योगाचार्य के रूप में। आपकी इस योग यात्रा में अनगिनत लोग योग साधना करते हुए योग का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। आपका सिर्फ यही अभियान है कि वास्तविक योग लोगों तक पहुंचे, जिसमें आज के इस बदलते परिवेश में लोग सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, शैली जी ने अपने अनुभव से सिद्ध योग के एक नए स्वरूप को विकसित किया है, जिसमें शामिल है वो सभी इफेक्टिव और बेनिफिशियल योग आसन जो तमाम तरह के रोगों से दूर रहने में हमारी मदद करते हैं। ये आसन अपने आप में एक पूर्ण अभ्यास है स्वस्थ रहने का। तो आइए जानते हैं सिद्ध योग के इस नए स्वरूप को। सिद्ध योग। सिद्ध योग एक बेहतरीन योग प्लान है जिसमें शामिल हैं 22 योगासन, माइंड और बॉडी के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित करने वाले इन योगासनों को प्रतिदिन लगभग 45 मिनट करने से वेट लॉस और इंच लॉस होता है। इसके अलावा सिद्ध योग करने से क्रॉनिक डिजीजेस पे भी काबू पाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि सिद्ध योग मेडिटेटिव, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव किस्म का योग है। दोस्तों, यदि आपको सिद्ध योग के इन सभी बेनिफिट्स और इफेक्ट्स को पाना है तो ज़रूरी है कि आप इसके सारे आसनों को एक साथ करें। इसे करने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। हम योग शक्ति में सिद्ध योग के इन सारे आसनों को एक एक करके जानेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। इसी कड़ी में आज हम सीखेंगे उत्थिता पार्श्वकोणासन यानी ट्राइंगुलर पोज के बारे में। उत्थिता पार्श्वकोणासन। यह आसन एक्सट्रीमली बहुत ही ऑल ओवर बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। स्पेशली जब ये आप झुक के करते हैं तब आपकी पेरिस्टालिसिस, मतलब आप खाना खाने के बाद में जो मूवमेंट्स होनी चाहिए फूड की, जिस हिसाब से फूड नीचे उतरना चाहिए, उसकी मूवमेंट्स को सुधार देता है। सो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। सेकेंड थिंग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिनको है उनका प्रॉब्लम बिल्कुल, मतलब ये मसल स्टिफनेस निकल जाती है और पेन रिलीफ मिलता है। थर्डली, इसमें शोल्डर ब्लेड्स में भी एक्सरसाइज मिलता है। यूजुअली ये एक्सरसाइज बहुत कम एक्सरसाइजेस में मिलता है। और फाइनली द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर आप इस आसन को रेगुलरली करते हैं तो
आपका 1 to 1.5 inch लॉस होता है ऑन वेस्ट एरिया. तो आइए देखते हैं उत्थिता पार्श्वकोनासन. गर्ल्स जस्ट रिलैक्स फर्स्ट. ओके, नाउ टेक द डिस्टेंस ऑफ 2.5 feet इन योर लेग्स फर्स्ट. राइट, अभी राइट लेग से पहले हम राइट से शुरू करेंगे. राइट लेग, राइट टो को राइट में कन्वर्ट करिए. आपकी बॉडी पहले ऐसे रखिए. राइट, अभी राइट नी बेंड कीजिए लिटिल और बैक लेग और पीछे लेके जाइए थोड़ा. एग्जैक्टली, नाउ राइट हैंड को ऊपर करके इस हाथ को स्ट्रेच कीजिए, ऊपर रेस्ट कीजिए और ओवरहेड बेंड कीजिए. कंप्लीट फॉर्म द आर्च, फील द स्ट्रेच ऑन द एंटायर बॉडी पोस्चर्स. काउंट हियर 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये पैर को बहुत सीधा रखना ज़रूरी है. 10. अभी हैंड को नीचे लेके आके अपने थाई पे रखिए और लेफ्ट हैंड को ओवरहेड करिए, स्ट्रेच करिए. राइट, इस समय आपकी नज़र सामने होगी, आपकी बॉडी सामने होगी, चेस्ट इन द सेंटर और आपको चाहिए आर्म और कान की दोस्ती. वेरी गुड, एक्सीलेंट. फील द स्ट्रेच. इस पोजीशन में भी आप 10 काउंट्स तक खड़े रहेंगे. 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब धीरे से अपना राइट हैंड जमीन पे रखिए दोनों पैरों के बीच में. लेफ्ट हैंड को सीधा रख के अभी इसको हम रोटेट करने वाले हैं हाथ को. 1, 10 times रोटेट करेंगे. इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर मसल्स को अच्छा एक्सरसाइज मिलेगा, हार्ट और लंग्स को एक्सरसाइज मिलेगा इस रोटेशन से. सो ये रोटेशन भी बहुत ही ज़रूरी है. जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये पूरे कंप्लीट एक्सरसाइज एक पैकेज है और हर एक लेग्स टाइनी डकलेग को भी एक्सरसाइज मिलता है. तो आप देख लीजिए कि हम इसमें एक भी पार्ट को मिस नहीं कर रहे एक्सरसाइज करने से या स्ट्रेच करने से. इसमें एब्डोमिनल पार्ट्स को काफ़ी टोनिंग अप हो जाती है एब्डोमिनल्स पार्ट की. और जो लेडीज़ फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, जैसे बिफोर चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, अगर ये बिफोर चाइल्ड कंसीविंग अगर ये करते हैं आसन, तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड दे आर हेल्दी टू गिव अ चाइल्ड बर्थ. एक बार इनहेल एक्सहेल करेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल. वेरी गुड, रिलैक्स एंड स्टैंड. सो ये है उत्थिता पार्श्वकोनासना, जो कि आपकी एनर्जी बढ़ाएगा, आपके बॉडी में पावर देगा. पावर यानी कि शक्ति. एनर्जी जब आएगी तो आप स्ट्रांग बनेंगे. काम अगर 2 घंटे में करके थकते हैं तो एटलीस्ट 5 hours यू विल नॉट गेट टायर्ड. सो ये पावर ये आसन की है और पूरे शरीर को फिगरेट बनाता है. मतलब पूरा शरीर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जहाँ पर कर्व्स चाहिए वहीं पर कर्व्स आएंगे. सो ये आसन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और करना ज़रूरी है. उत्थिता पार्श्वकोनासन. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने उत्थिता पार्श्वकोनासन को समझा होगा और उसके सही मायने जाने होंगे. अब हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में. वैसे तो प्राणायाम आजकल लोग करते हैं, लेकिन हम वास्तविक योग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम प्राणायाम को उसके मूल रूप से शैली जी से सीखेंगे और साथ ही इसके एक प्रकार इंटरकोस्टल ब्रीदिंग के बारे में मुख्य रूप से जानेंगे. तो आइए चलते हैं हमारी एक्सपर्ट की ओर. प्राणायाम. आज हम इस एपिसोड में प्राणायाम नंबर 2 सीखेंगे, जिसका नाम है इंटरकोस्टल ब्रीदिंग. इंटरकोस्टल ब्रीदिंग मतलब लंग्स ब्रीदिंग. जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है कि लंग्स की कैपेसिटी 500 लीटर्स है और हम खाली 1/3 ब्रीथ करते हैं, तो ये प्राणायाम आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देगा और खाली सिखाएगा लंग्स को कि खाली लंग्स को ब्रीथ करना है. इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे जब हम ब्रीथ करते हैं तो हवा पेट में ना जाए. तो आइए पहले हम आपको पोजीशंस दिखाते हैं
कि ये प्राणायाम की पोजीशंस क्या है. पहले अपने हाथ लेके जितने फीमेल मॉडल्स है दे आर गोइंग टू पुट हैंड्स बिलो देयर चेस्ट लेवल. ब्रेस्ट को थोड़ा ऊपर उठाएंगे. दैट इज द लास्ट रिब. वेरी गुड. और मेल्स को आपके चेस्ट के ऊपर राइट फोर फिंगर्स यू रखने हैं राइट. और थंब शुड बी इन द आर्मपिट. अभी आप स्टमक को थोड़ा सा अंदर लेंगे राइट सो दैट यू कैन नॉट टेक ब्रेथ इन टू योर स्टमक. अभी आप सामने देखिए वन पॉइंट पे फोकस कीजिए. ब्रीथिंग चालू रखिए. जब मैं आपको काउंट दूंगी तब आप ब्रीथिंग करना शुरू करेंगे. आप जब ऐसे खड़े हैं इसमें आप ध्यान रखिए खाली तीन काउंट होते हैं. तीन इनहेल और तीन एक्सहेल. अगर आप इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो जो आपका बेसिक आइडिया है कि लंग्स में फुल करने का है ऑक्सीजन से वो नहीं होगा और हाफ द ब्रेथ विल मूव इनटू योर एब्डोमेन. सो आपको ध्यान रखना है पेट को थोड़ा सा अंदर करके. कॉन्शियसली यू आर नॉट गोइंग टू टेक एयर इनटू योर स्टमक. ओके रेडी. Now I'm going to give counts. Inhale. One, two, three. Exhale. One, two, three. मेरा जहाँ पर हाथ है आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आप लंग्स ब्रीदिंग करते हैं रिलैक्स. जैसे आप लंग्स ब्रीदिंग करते हैं वैसे लंग्स फूलने लगते हैं एक्सपैंड होते हैं और आपके हाथ भी मूव होते हैं. ये आप ध्यान रखिए कि आपको ये हाथ की मूवमेंट्स मैन्युअली नहीं करनी है. इट शुड बी नेचुरल. अगर नेचुरल होगी दैट मीन्स आपके लंग्स फुल ब्रीदिंग कर रहे हैं. वापस एक बार आप करेंगे राइट. इनहेल टू थ्री. Exhale, two, three. आप तीन राउंड इसके करिए. जब आप ये प्राणायाम करते हैं तब आपको ध्यान में रखना है एटलीस्ट फाइव राउंड्स आपको करने हैं इस प्राणायाम के. फाइव राउंड के बाद में आपको तीन से चार ब्रेथ नॉर्मल करना है. नॉर्मल ब्रेथ लेना है और उसके बाद वापस आप फाइव टाइम्स ये प्राणायाम को रिपीट कर सकते हैं. इसके बेनिफिट्स तो देखेंगे आप तो ये प्राणायाम करना कभी नहीं छोड़ेंगे. सबसे पहले द बेस्ट बेनिफिट इज स्मोकर्स के लिए है कि जो माइनर इन्फेक्शंस उनके चेस्ट में जमा होती है उसके लिए है कि ये माइनर इन्फेक्शंस निकाल देता है चेस्ट में से. सेकंड थिंग कि ये चेस्ट मसल्स को डेवलप करता है और जो लंग्स में अलूवली जो अपने एयर सैक्स का मदद करती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है. इसका अनादर बेनिफिट है जो अस्थमा और टीबी पेशेंट उनके लिए है. अस्थमा और टीबी पेशेंट्स में लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम होती है. दे कांट ब्रीद इन प्रॉपरली. सो उनके लिए अगर ये प्राणायाम करें तो आप ध्यान रखिए कि अस्थमा और टीबी क्योर करने में 60% हाथ इनका भी दवाइयों के साथ ऑफकोर्स इसका हो सकता है. लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है और राइट तरीके से करना बहुत ज़रूरी है. इस तरीके से अगर आप ये प्राणायाम करेंगे तो काफ़ी हद तक लंग्स को कैपेसिटी बढ़ाने में मदद हो सकती है. और अगर लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो नेचुरली आपकी लाइफ भी बढ़ जाएगी. और इसलिए ये प्राणायाम आज से ही करना शुरू कर दीजिए. प्राणायाम योग के ताज़ा एहसास के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त. फिर मुलाकात होगी आपसे योग शक्ति के अगले एपिसोड में योग के कुछ नए और पारंपरिक अंदाज के साथ. हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन. टेक केयर. लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.